जी पीएम बनेंगे, ये आप लोग सामना भी कर देते हो, आप लोग छुप भी जाते हो, आप लोग जो भी चाहो पेपरों में लिख देते हो, आप लोग ही कहानियां बनाते हो, आप लोग ही मुखड़े बनाते हो, कभी सहिष्णु बना देते हो, कभी आप लोग सांप्रदायिक वर्ड निकाल देते हो, कॉइन करते हो। सो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। अगर मोदी जी के टाइम पर हमारे देश का कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 50 सालों में कुछ भी नहीं होगा पुत्र। कोई लीडर नहीं है, आप देखिए कौन सामने बैठा हुआ जो इस तरह की बात सोच सकता है कि टॉयलेट बनाया जाए। सोचा किसी ने आज तक कि स्कूल के बच्चों को टॉयलेट नहीं होता? सिर्फ आप खड़े हो जाते हो आप लाल किले पर, अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही कहते आ रहे हो आप 50 सालों से। एक शख्स आया है जिसने एक राह दिखाई है। अब राह में रोड़े बहुत होते हैं, ये किलविश के बाशिंदे भी होते हैं, शकुनी के भांजे भी होते हैं, तो प्रोग्रेस कितनी हुई उसमें मत आंकिए। सोचिए कि सामने कोई लीडर बैठा है जो मोदी जी की तरह सोच सकता है, माफ करना कोई नहीं है। इसलिए वोट कैसे बटेगा मुझे नहीं मालूम। ये बेशर्मी की तरह से ये सारी पार्टियां एक तरह जुड़ गई हैं। पिछले दिन मैंने किसी चैनल पे कह दिया कि बेशर्मी से जुड़े हैं तो कांग्रेस वाले खड़े हो गए, सर आपको कैसा हक पड़ता है कि आप हमें बेशर्म कहें? मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आपको लेना तो मत लीजिए। पर इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी कि जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, सिर्फ गोली नहीं मारी होगी शायद, पर जितने जिस तरह के आपने वर्ड्स के दागे हैं उनको आप कहते हो चलो हाई मिल हाथ मिला लेते, चलो मिल लेते हैं, चलो मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए मिल लो, बस इस शख्स को हराना है। देश का कोई फायदा नहीं सोच रहा, इस शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है उनको हराना है, बस उनका यही लक्ष्य है। आगे करोगे क्या आप? उनकी कुर्सी को हटा के बैठ जाओगे फिर देश 50 साल तक आपको देखेगा क्या कर रहा है बताओ, आपको पता नहीं होगा। माफ कर जी सर, देखिए देश को चलाना बहुत मुश्किल है, ये भारत देश है, ये इतना आसान नहीं है। 4 साल दिए आपने दूसरी पार्टी को, 50 साल दिए आपने, पेट्रोल के पाइप पड़े उस जमाने भी ज्यादा थे। आज अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे बीच में अगर किलविश के बाशिंदे आ जाते हैं, अगर शकुनी के भांजे आ जाते तो मेरी स्पीड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होगी। तो ये पेट्रोल की वजह से सरकार मत चूज कीजिए। आपका 50 पैसा कम हुआ तो मैं आपको दूंगा, आपने 1 पैसा कम किया तो वोट नहीं दूंगा। दिस इज नॉट अप्लाई योर माइंड। सोचिए बहुत कुछ, मैं समझता हूँ लोगों ने नुकसान बहुत कुछ तकलीफें नोटबंदी में भी उनको हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों को जीएसटी में भी हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं कड़वी दवाई खानी पड़ती है, उसके बाद में शायद मैं समझता हूँ बीमारी हटेगी। देर हो रही हुई होगी शायद, कहीं ना कहीं देर हुई होगी, बट कारण बहुत है। मेरा मुंह मत खुला पुत्र, तू जानता है मैं बोल जाता हूँ। मैं यही कहूंगा कि हमारे बंबई या मुंबई जिसको कहते हो, इसकी कॉरपोरेशन आई थिंक रिचेस्ट कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड है, या पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत रिच है। और मैं कहूंगा कि जितना लेट उन्होंने किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। सड़कें बनती हैं टूटने के लिए बनती हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फिर से मेरा बस चले तो मैं इनको कहूं जिसके खड्डे फिर से आए हैं उसको बनाइए बिना पैसे से। तो ये हर साल जो बारिश हंगामा करती है वो तो करने वाली है, पर आपने क्या किया है? आज आप जिसको कहते हो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उसका नाम हाईवे से चेंज कर दीजिए, वो हाईवे से भी क्या, वो एक नॉर्मल वे से भी बदतर हो गया। गोरेगांव में आप अटकते हो, हर साल अटकते हो, किसी ने नहीं सोचा कि क्या किया जाए। सो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। मैं ये साफ कहता हूं कि हमारे यहाँ पर अगर हर आदमी ईमानदार हो जाए देश हमारा सुपर पावर बनेगा। पर माफ करना, ईमानदारी आजकल बहुत महंगी हो गई है, कोई ईमानदार बनना नहीं चाहता, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो नेता हो। ईमानदारी वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कॉरपोरेशन को भी ईमानदारी के लिए लेक्चर मिलना चाहिए कि प्लीज ईमानदारी से करिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बच्चे मरते हैं, कभी कोई ये प्रॉब्लम आता है, पानी से पूरे का पूरा बम्बई अटक जाती है। तो यू आर राइट, मैं आपके साथ हूँ कि कॉरपोरेशन वालों को, आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, मुझसे मत पूछिए, आप उनसे पूछिए।